हेलो फ्रेंड्स, मैं अरिजीत कर्मकार आज आप लोगों के सामने अशोक लेलैंड कंपनी की 2518 मतलब 2518 मॉडल को लेके कुछ बोलना चाहूँगा। अशोक लेलैंड की ट्रक 2518 ये टोटल 8 वेरिएबल मॉडल्स पे आती है। पहले मैं बोलना चाहूँगा कैप्टन 2518 जो चैचिस काउल पे आता है, 2518 एक्सेल जो 32 फुट का लंबा ही होता है, 2518 C4 जो एक ट्रांसिट मिक्सर है, U2518 एक ट्रिपर है, कैप्टन 2518 ये भी एक ट्रिपर है, U2518 R/1 एंड R/2 ये भी एक ट्रांसिट मिक्सर है, और एक मॉडल है 2518 HD ये एक ट्रिपर का मॉडल है। 2518 जो मॉडल है वो मॉडल का जो इंजन दिया गया है 5.7 लीटर का 6 सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो H सीरीज CRS इंजन मतलब कॉमन रेल सिस्टम विथ iEGR टेक्नोलॉजी मतलब इंटेलिजेंट एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम इसमें दिया गया है जो BS4 के साथ आता है। 2518 जो मॉडल है इस मॉडल का लंबाई देखा जाए तो एक मॉडल आता है 32 फुट पे, एक आता है 23.5 फुट पे। इसका जो मैक्स पावर दिया गया है 180 हॉर्स पावर जो 2400 RPM पे आता है। इसका जो टोटल टॉर्क दिया गया है 660 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिया गया है जो 1200 से 1900 RPM पे आता है। इसका जो क्लास दिया गया है 380 मिलीमीटर डायग्राम का सिंगल प्लेट ड्राइव क्लास दिया गया है। ट्रांसमिशन गियर ट्रांसमिशन जो दिया गया है 6 स्पीड गियर ट्रांसमिशन दिया गया है। इसका जो सस्पेंशन दिया गया है वो सेमी इलिप्टिक मल्टीलीफ सस्पेंशन दिया गया है। ब्रेक जो दिया गया है फुल एयर डू लाइन विथ ABS मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इसके दिया गया है जो कि ट्रक चलाने के टाइम सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा काम करता है। इसका जो पार्किंग दिया गया है वो सिर्फ रियर व्हील पे काम करता है, पेन्योमेटिक फ्लिक वाल्व ऑपरेटेड इसमें पार्किंग ब्रेक दिया गया है। इसका जो फ्यूल टैंक है 400 लीटर का पॉलीमर फ्यूल टैंक दिया गया है, 12 और जो बैटरी दिया गया है 12 वोल्ट का 2 बैटरी, और जो टायर दिया गया है 10x20 पेयर पे जो रेडियल टायर दिया जा रहा है। इसका हम लोग अगर एक्सेल के बात करें जो फर्स्ट जो एक्सेल आता है वो मेन स्टीयरिंग एक्सेल होता है, सेकंड जो एक्सेल आता है वो ड्रिवन एक्सेल होता है, एंड जो थर्ड एक्सेल आता है वो डमी एक्सेल होता है। इस गाड़ी में टोटल 10 चक्के दिया जाता है और एक जो चक्का दिया जाता है वो स्टेपनी के लिए दिया जाता है। इसका इंजन का जो CC है 5660 CC का इंजन दिया गया है। 2518 जो मॉडल है इस गाड़ी को हम लोग क्या क्या बना सकते हैं इसके बारे में हम लोग बोले तो इस गाड़ी को हाफ बॉडी भी बना सकते हैं, फुल बॉडी बना सकते हैं, फ्लैट बॉडी बना सकते हैं, टैंकर बना सकते हैं, बल्कर बना सकते हैं, फायर ट्रक बना सकते हैं, ट्रिपर बना सकते हैं, कंटेनर बना सकते हैं या फिर फ्रिज कंटेनर बना सकते हैं। इस मॉडल का जो बॉडी है फुल कस्टमाइजेबल बॉडी है। 2518 जो मॉडल है जो पहले इस मॉडल का जो लोड कैपेसिटी था वो 25 टन 200 का था, अभी गवर्नमेंट ने जो नया रूल्स चालू किया है उसके बाद जो लोड कैपेसिटी है वो 30 टन 500 हो गया है। अगर इस बारे में आप लोग को कुछ कंफ्यूजन हो तो आप लोग नियरेस्ट RTO से बात कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अशोक लेलैंड की 2518 कैप्टन इस मॉडल के बारे में। 2518 जो कैप्टन गाड़ी है इसमें इंजन जो दिया गया है H सीरीज टर्बोचार्ज इंटरकोल्डेड CRS इंजन जो BS4 के साथ आता है। इसका जो मैक्स पावर है 180 हॉर्स पावर, जो टॉर्क है वो 2500 RPM टॉर्क दिया जाता है, जो क्लास है 380 मिलीमीटर का क्लास दिया जाता है, जो गियर दिया जाता है 9 स्पीड गियर बॉक्स दिया जाता है इस गाड़ी में। इस गाड़ी का जो केबिन है वो कंपनी बिल्ट होता है, एक कंपनी बिल्ट स्लीपर केबिन दिया जाता है कंपनी से। इसका जो सस्पेंशन दिया जाता है वो है सेमी इलिप्टिक मल्टीलिफ्ट सस्पेंशन विथ एंटी रोल बार एंड शॉक एब्जॉर्बर दिया जाता है। इसका जो फ्यूल टैंक आता है 400 लीटर का फ्यूल टैंक आता है जो पॉलीमर टैंक होता है। इसका जो बैटरी आता है 12 वोल्ट का 2 बैटरी होता है। इसका जो ब्रेक सिस्टम दिया गया है फुल एयर डू लाइन ABS ब्रेक सिस्टम इसमें दिया गया है।
इस कैप्टन मॉडल का है और एक सेम मॉडल है जिसमें सिर्फ डिफरेंस जो है उसका केबिन का डिफरेंस है। केबिन जो दिया जाता है कंपनी से वो डे केबिन दिया जाता है और जो बॉडी दिया जाता है वो हाइड्रोलिक डाला के साथ दिया जाता है, मतलब ट्रिपर डाला दिया जाता है। ये जो कैप्टन का 2518 है एक मॉडल है। अगर ट्रिपर मॉडल की बात करें तो ये 2518 और भी दो ट्रिपर मॉडल में आता है। एक है U2518 जिसका इंजन स्पीड सब एक ही है, जो केबिन आता है सिर्फ उसका डिफरेंस है, जो केबिन है वो यू शेप पे आता है, मतलब जो कैप्टन का केबिन है वो कैप्टन वाला केबिन दिया जाता है और जो 2518 यू का केबिन है, आप लोग यू गाड़ी देखता है वो यू केबिन दिया जाता है। ये भी सेम है, इसका फ्यूल टैंक है 212 लीटर का, बॉक्स बॉडी दिया जाता है, इसका भी जो हाइड्रोलिक दिया जाता हाइड्रोलिक डाला दिया जाता है। और एक मॉडल है वो है 2518 HD। इस गाड़ी को ज़्यादा यूज़ किया जाता है रिवर्स सैंड, मतलब रेत बोने के लिए ये गाड़ी यूज़ किया जाता है। इसका जो केबिन आता है G45 डे केबिन में आता है। इसका जो स्पेसिफिकेशन है मैं आपके डिस्प्ले पे दे चुका हूँ, ये आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अगर इस वीडियो में कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारा डिटेल्स दे दिया है, आप लोग चाहे तो उस डिटेल्स को देख सकते हैं। और मेरा जो पहला वाला वीडियो है 16-18 का, अगर कोई देखना चाहे तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड नेक्स्ट टाइम फिर से कुछ अच्छे ट्रक के वीडियो लेके मैं फिर से आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।